29 साल मेरे ब्याह को होने ही वाले हैं और इतने ही वर्ष हमें अपना शहर लखनऊ छोड़े हो गया। नहीं नहीं, परमानेंटली नहीं, मायका, ससुराल, नाते रिश्तेदार सब तो वही हैं, लेकिन हाँ, पति के साथ भारत भ्रमण चल ही रहा है। इस भ्रमण में हर सर्दी के आते सब तरफ, विशेषकर दिवाली से पूर्व, लाल हरे भूरे सिंघाड़े ठेलों पर दिखने लगते हैं। सिंघाड़ा, सिंघाड़े का आटा, इससे अमूमन सभी परिचित हैं, किंतु मैं बात कर रही हूँ ताज़े भुने करारे उबले सिंघाड़ों की। वो सिंघाड़े जो लखनऊ में दीपावली पश्चात आज भी मिलते हैं, लेकिन और कहीं नहीं दिखते। सिंघाड़े जिसे कंधे पर टांगे, सुतली नुमा रस्सियों से लटकती गोल डलिया और उसमें सफ़ेद कपड़े से ढके, ये सिंघाड़े और उसके साथ उससे भी मज़ेदार चटनी जिसमें हरा धनिया कम, नमक और हरी मिर्च अधिक होती, कागज़ के दोनों में रखे वो सिंघाड़े मेरे लिए अमूल्य हैं। इन 29 साल में मेरे पति हमेशा सिंघाड़े घर ले आते हैं और फिर उसे उबालते भी। उन्होंने उबालने का सही तरीका भी सीख लिया, क्योंकि शुरू शुरू में अक्सर ज़्यादा उबल जाते। इन्हीं सिंघाड़ों में कुछ छोटे मुलायम होते, लेकिन मेरी पसंद सख्त करारे सिंघाड़े। प्रयास रहता है वैसी ही चटनी तैयार करें, किंतु इस सब के बावजूद वो सिंघाड़े जो वो ग्रामीण अपने कंधे पर टांगे बेचता, वैसे कहीं नहीं मिलते। कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी ही अच्छी लगती हैं, है ना?